एक कंधा ईश्वर ने पहले ही उसकी दोनों आंख ले ली है, पढ़ा लिखा है नहीं। दलितों का वो अपमान कर रहा है, दलित समाज का अपमान कर रहा है राम मंदिर की आड़ में, जनता के पीठ में खंजर घोपने का। ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। गांधी जी सभी महान पुरुष बता दिया इस अनपढ़ जाहिल को। मोदी सरकार ये हमेशा से आरएसएस और बीजेपी की सरकारें सेना विरोधी सरकारें रही है, और मोदी सैनिक सेना विरोधी है। ये किसी का नहीं है, आरएसएस इस देश की देशद्रोही संगठन है। पहला आतंकवादी वहीं से पैदा हुआ था। तो जब ये सभी लोग कह रहे हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं? वो डर गया है, नहीं होंगे तो चुनाव का बहिष्कार होगा और जनता इनको वोट नहीं देगी, पोलिंग बूथ का बहिष्कार करेगी और बीजेपी का पतन निश्चित है, इसके बाद समापन है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर तमाम आंदोलन हो रहे हैं और अब इस आंदोलन में खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है शामिल हो चुके हैं, तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। जंतर मंतर पे भी एक आंदोलन किया गया था भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा द्वारा। इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चतुर्वेदी जी। सर, क्या कहेंगे, आंदोलन लगातार ईवीएम को लेकर बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो समझ ही नहीं पा रही है कि जनता की आवाज़ क्या है। बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख तो उल्लू बैठा है। देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है, जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट काम करती थी उस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है। जब पूर्व अस्थल सेनाध्यक्ष थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि अग्निवीर जो योजना है सेना में भर्ती करने वाली वो ठीक नहीं है, और ये सरकार जो है मोदी सरकार ये हमेशा से आरएसएस और बीजेपी की सरकारें सेना विरोधी सरकारें रही हैं और मोदी सैनिक सेना विरोधी है, तुरंत राम मंदिर जी उद्घाटन होगा फला डेट को। अच्छा, चुनाव आयोग के ऊपर जब सिकंजा सुप्रीम कोर्ट का सुनाना स्टार्ट किया, 150 एमपीओं को निलंबित करके लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा स्पीकर, जब उनकी मस्करी की गई तो कहा कि ये किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है, इनका अपमान है, उनका अपमान है। तो किसी जाट सभा के अध्यक्ष ने कहा कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट जाट समाज को मंजूर नहीं है। गांधी जी सभी महान पुरुष बता दिया इस अनपढ़ जाहिल को, देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को, एक कंधा अपने आप को रामाचार्य बोलता है, ईश्वर ने पहले ही उसकी दोनों आंख ले ली है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसके आश्रम में क्या क्या कुकर्म नहीं होते हैं लोग बता रहे थे, अब वो इस वक्त जो है क्या क्या बकता है, दलितों का वो अपमान कर रहा है, दलित समाज का अपमान कर रहा है राम मंदिर की आड़ में। कुल मिलाकर के जो ईवीएम का मसला है, जब सीधे बसपा का छत्तीसगढ़ में एक एमएलए का चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी अपने गांव में, उसके घर में 15 वोट थे, कहा कम से कम घर वालों के न दिए हों तो मेरा तो एक वोट मिलना चाहिए, उसको 0 वोट मिला। जब उस प्रत्याशी की पीड़ा हुई, करीब 15,000 शिकायतें मध्य प्रदेश के, वहां पे कई अधिकारी सस्पेंड किए गए बालाघाट में, वहाँ का डीएम पहले ही 4 दिन पहले ही खोलवा दिया, वो बैलेट पेपर जो आता है वो वाला खोलवा दिया, जो पोस्टल बैलेट होते हैं। सेम उसी तरीके से हालत महाकाल का उज्जैन में, वहाँ के भी डीएम। कुल मिला करके इस देश में भ्रष्टाचार एकदम आसमान छू रहा है। लेकिन जो भाजपा सरकार वाली पार्टी है तो कहती है ना कि भ्रष्टाचार को कम करने में हम ही एक पार्टी जिसने भ्रष्टाचार कम करा है। ये
भाजपा के पूरे देश में जो 300 कार्यालय बने हैं, ये गुजरात से मोदी की फैक्ट्री चलती है, वहाँ से आया है पैसवा। बताइए, इन्हीं का विधायक कर्नाटक का कहता है 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 40,000 करोड़ का। और जानती हैं, कोरोना काल में मेडिसिन में, दवाओं में, जनता के पीठ में खंजर घोपने का, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। जब तुम्हारे सरकार में मजदूर नाराज, दुखी, महंगाई अपनी चरम सीमा पर, बेरोजगार नौजवान दुखी, छात्र दुखी, महिलाएं दुखी, छोटे मझोले व्यापारी दुखी, श्रमिक दुखी, आप बता दीजिए कि आपको ओटवा कौन दे रहा? इसका मतलब ईवीएम में कहीं ना कहीं घोटाला है। तो जो चुनाव आयोग है वो लगातार ये आंदोलन कर रहा है कि जो भी ये चीज ईवीएम को लेके बोली जा रही है उससे आग्रह करवा रहा है जनता को कि ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस देश की जनता जो है स्वयं फैसला करेगी, हमें आपको करने की जरूरत नहीं है। जनता समझदार है, अब 1948 वाली जनता नहीं है, ना इनके राम मंदिर उद्घाटन के बहकावे में जनता आने वाली है, और ना इनके 10 किलो अनाज दे करके तुम देश की जनता को गुलाम बना लिए हो। पर 22 जनवरी को तो दिवाली मनाएंगे ना सब, अगर मोदी जी ने कहा है कि दिए जलने चाहिए तो जलेंगे दिए। जिसने अयोध्या को छेड़ा है उसका पतन हुआ है, जान लीजिए, और बीजेपी का पतन निश्चित है। इसके बाद समापन है, अशुभ मुहूर्त में अर्धनिर्मित मंदिर का निर्माण कराना हिंदुस्तान के लिए भयावह भूकंप और भूखलन की या सुनामी की चेतावनी दी जा रही है तमाम संतों द्वारा, लेकिन ये व्यक्ति आसाराम का चेला ये किसी का नहीं है, आरएसएस इस देश की देशद्रोही संगठन है। देशद्रोही संगठन बता रहे हैं आप ये? हाँ, पहला आतंकवादी वहीं से पैदा हुआ था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, जिसने 81 साल के बुजुर्ग की हत्या की थी। अच्छा, तमाम अगर आप कह रहे हैं कि जनता अब समझ गई है, वो समझ गई है, तो फिर उसके बाद भी जब विपक्षी पार्टियां कह रही कि हमें बैलेट पेपर से चाहिए, देश के तमाम इंटेलेक्चुअल संस्थाएं, इंटेलेक्चुअल बिरादरी, एडवोकेट इंटेलेक्चुअल है, डॉक्टर इंटेलेक्चुअल है, इंजीनियर के एजुकेटेड है, तो जब ये सभी लोग कह रहे हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती कि बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं? तो विपक्ष खुल के विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है जब 5-5 महीने से ये बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो विपक्षी पार्टियों को अपने से मिलने नहीं दे रहा है, वो डर गया है। तो हाँ। जान लीजिए, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ था, सीरिया में हुआ था, वो हिंदुस्तान में उस तरह घटनाएं होने जा रही। आप कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो मतलब बैलेट पेपर में धांधली नहीं हो सकती है क्या? सिर्फ ईवीएम में धांधली हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे? जनता को पता होगा कि हम फला को वोट दे रहे हैं, वो नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकता है तो मतलब ऐसा तो क्या लग रहा है उसके बाद इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी करेगा ही खुल के विरोध, तो क्या 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे तो चुनाव का बहिष्कार होगा और जनता इनको वोट नहीं देगी। जनता वोट ही नहीं देगी? ना, एकदम पोलिंग बूथ का बहिष्कार करेगी। मतलब बहिष्कार ही कर रहे हैं कि वोट देने ही ना जाएं? बस जाओ, तुम चुनाव लड़ो। हाँ, लड़ो। तरीके से चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव में अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो फिर जनता वोट देने ही नहीं जाएगी, हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे, इस तरीके की चीजें ये बोल रहे हैं। अब तमाम चीजें नजर आ रही है, अब देखते हैं 2024 में ईवीएम से चुनाव किया जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।